यूपी के हाथरस सादाबाद कोतवाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरामई खेड़ा में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से ट्रैक्टर चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जमा होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया। वहीं ग्रामीणों के अनुसार 50 वर्षीय शिवचरण पुत्र सुखराम सवेरे अपने निजी ट्रैक्टर से अनाज बेचने के लिए भरतपुर मंडी जा रहे थे कि तभी गांव के निकट बने क्षतिग्रस्त नाले के पुल पर अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ जाने से ट्रैक्टर और ट्राली पलट गए और हादसे में शिवचरण की मौत हो गई, जबकि क्षतिग्रस्त पुल की कई बार प्रशासन से शिकायत की मगर पुल का निर्माण नहीं हुआ। पेश है हमारे हाथरस सादाबाद के संवाददाता रवि कुमार और कैमरामैन फैजान बैग की यह खास रिपोर्ट। ये क्या नाम आपका? नाम साहब जितेंद्र सिंह। नाम कौन सा आपका? गांव बरामी है, मैं साहब राशन लेता हूँ ग्राम पंचायत बरामी के। अच्छा, ये जो घटना हुई कैसे हुई है? घटना साहब आप देख रहे हो, पुल टूटे पड़े हुए हैं, आए दिन घटना है। अंजाम रिस्कूले की आदमी निकाल रहे हैं ठिया, पुलवा कोई ध्यान ना दे रहे हो, शासन प्रशासन ना अपना दे रहे हो, और यहाँ निकाल रहे हो करे हो जिनो, आप देख रहे हो घटना है। पोलिटिकल अटैक आदमी खत्म है वो साहब। मरने वाला कौन था? मरने वाले शिवचरण सिंह पुत्र सुखराम, बरामी के थे। बरामी खेड़ा, बरामी खेड़ा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं ग्राम पंचायत बरामई। क्या पद है आपके पास? मैं ग्राम प्रधान हूँ, मेरी पत्नी जो है ग्राम प्रधान है शशि चौधरी। अच्छा, ये जो आपके गांव में घटना हुई है सुबह, ये क्या मामला है? ये जो है सुबह लगभग 8 बजे करीब ये अपने वहाँ नाले से होकर के जा रहे थे बाजरा बेचने के लिए भरतपुर। तो ये किसान है शिवचरण सिंह सनोप शुक्ला, तो ये बरामी खेड़ा के हमारी ग्राम पंचायत की रहने वाले हैं। तो यहाँ भरतपुर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भी ट्रैक्टर जो है पलट गया, और पलटने के बाद जो है ये नाला बहुत दिनों से हमने शिकायत भी की है शासन प्रशासन को भी, तो वहाँ से अभी हमें कोई कड़े निर्देश नहीं मिले हैं। बार बार कह तो जाते हैं, सांसद जी से भी कहा है हमने, और सांसद जी ने भी आश्वासन हमें दिया था कि हम इसको 1 महीने या 6 महीने में करा देंगे लास्ट। तो करीब करीब 7-8 महीने हो गए, तो अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और आज जो हादसा हुआ है वो पुल खराब होने के कारण ही हुई है। जो गंदा नाला है ये बहुत ज्यादा डैमेज है, और डैमेज होने के कारण ही यहाँ जो है मौत हुई है।